ताली, एक नारा लगाए मेरे साथ, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जोड़ो 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 राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जो पुश्ते तक खड़े हैं, आपका स्वागत है नए संकल्प सम्मेलन में। बावरिया जी आपका स्वागत है, और मैं सभा की कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू कर रहा हूं। 11 बजे से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी, दिनेश कुमार जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो माला पहनाकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे। गुरचरण सिंह राजू जी जो दूसरे जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी कहूंगा वो प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी और राजू जी को कि वह माला पहनाकर आदरणीय दीपक बावरिया जी जो दिल्ली के प्रभारी महासचिव हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनको प्रतीक चिन्ह देंगे। दीपक बावरिया जी को राजू जी और दिनेश जी, अब मैं जल्दी दिनेश जी, अब मैं दोनों जिला अध्यक्षों से अनुरोध कर रहा हूं, दिनेश जी आपसे, राजू जी से, भाई अजय माकन जी को स्वागत करें और स्मृति चिन्ह दें। भैया बढ़ जाए यहां से, भैया वीडियो वाले बढ़ जाए। हमारे दोनों जिला अध्यक्षों से अनुरोध है, आदरणीय सप्पल साहब हमारे यहां मौजूद है मंच पर, उनका भी जोरदार तालियों से और माला से स्वागत और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। मैं तमाम कांग्रेस के वॉलंटियर से पुलिस से मेरा अनुरोध है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं पुश्ते तक, पुलिस उनको रोके ना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इससे पहले आमंत्रित करूं, तीन नारे आप मेरे साथ लगाएंगे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जोड़ो जोड़ो, और बटन दबेगा, बटन दबेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के जावाद अध्यक्ष भाई अरविंदर सिंह लवली जी को, वहां हमें संबोधित करें अरविंदर सिंह लवली जी। हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष
आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे दिल्ली के बहुत ही जांबाज और जिनका बहुत सहयोग हमको मिल रहा है, ऐसे हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपक बावरिया साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर मेरे बड़े भाई अजय माखन जी, हमारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे देवेंद्र यादव जी जो पंजाब के इंचार्ज हैं, अलका लांबा जी जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, अरुण यूसुफ साहब जो सीएलपी लीडर हैं, हमारे मनीष चतरथ जी, प्रवेश हाशमी जी, संदीप दीक्षित जी, कृष्णा तीरथ जी, रमेश कुमार जी, तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए पूर्व मंत्रीगण, पूर्व एमपीगण, एमएलए साहबान, हमारे ऑब्जर्वर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, इस जिले के हमारे अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू जी, दिनेश कुमार जी और यहां उपस्थित बहुत सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग 11 बजे से इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करूंगा, चाहूंगा जो बाहर लोग हैं उनको अंदर आने दीजिए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गीता कॉलोनी का रामलीला मैदान है, ये गीता कॉलोनी का जो रामलीला मैदान है, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान इसलिए है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, इंदिरा जी ने जब कांग्रेस आई बनाई थी तो पहला कोई प्रतिनिधि पूरे देश में, वो भी हाथी के निशान पे कांग्रेस आई का चुना गया था, तो गांधीनगर से मास्टर हरीशचंद्र जैन चुने गए थे। ये वो जगह है, ये वो जगह है सर, यहां से आधा किलोमीटर दूर जब कांग्रेस आई को हाथ का निशान मिला तो पहला आदमी अगर पूरी देश के अंदर हाथ के निशान पे कोई जीत के आया तो वहां यहां से चौधरी कल्याण सिंह जो जीत के आए, और कांग्रेस आई की बोनी जो है वो यहां से हुई। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, 78 में जब इंदिरा जी ने देश का आह्वान किया, तो 78 में इंदिरा गांधी जी ने इस मैदान से आके संबोधित करा, और पूरे देश के अंदर जो है वो कांग्रेस की लहर जो है 79 के इलेक्शन में आई। सर, आप जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर देश भर में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर रहे हैं और सीधे रूप से उन ताकतों को जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ टक्कर ले रहे हैं, तो दिल्ली का कांग्रेस का वर्कर भी अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है कि खड़गे जी का संबोधन उसी पाक ग्राउंड से होगा जहां इंदिरा जी ने देश की लड़ाई की आह्वान की थी। हम पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको लेके उसको बहुत उत्साहित है। हमारे नेता राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर में जिस तरीके से लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए गांव गांव घर घर घूम रहे हैं, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ मजबूती से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं तमाम अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के वर्कर को शर्माना नहीं चाहिए, अपनी लड़ाई को सड़कों पर लेके जाना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर ये घूंगी भैरी सरकार सबसे ज्यादा दिल्ली वालों ने खोया है। रोजाना पॉल्यूशन की वजह से हमारी उम्र कम हो रही है, यहां तक कि मां की कोख में जो बच्चा पल रहा है, सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यह पॉल्यूशन उसके ऊपर भी असर कर रहा है जिसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा। इस घूंगी और बहरी सरकार को उठाने के लिए हम लोगों को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बात पे गौर करिए, जो दौर है इस दुनिया का, उस दौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। यह मैं कांग्रेस के लोगों को जो है आह्वान करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरो मत, हमको डरने या घबराने की बात नहीं है, हमको मायूस होने की बात नहीं है। आज ये हमारे नेताओं से पूछते हैं प्रश्न, भगवान राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, ये हमारे नेताओं से प्रश्न पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं। हम वहां आते जहां प्रधानमंत्री जी थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि वो संवैधानिक पद पे हैं। वहां यूपी के मुख्यमंत्री थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी वो संवैधानिक पद पे हैं। वहां यूपी की उपराज्यपाल महोदय थी, राज्यपाल महोदय थी, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो संवैधानिक पद पे हैं।
वहां मंदिर के सबसे बड़े महंत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सरदार वो मंदिर के महंत हैं। लेकिन आरएसएस का प्रमुख वहां किस हैसियत से था, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी का फंक्शन ऐसे पाकिस्तान पे करते हो और उम्मीद करते हो कि हम आए, हमें हमारा और भगवान राम का आस्था का वास्ता है, हमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है उसके बीच में। इसलिए कांग्रेस के वर्कर को घबराने की, मायूस होने की जरूरत नहीं है, टक्कर लेके चौंक चुराव पे इनका मुकाबला करने की आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पे 5 द्वार बनाए हैं सर, एक द्वार भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे, जो प्रतीक है कि हम संकल्प लेंगे संविधान को बचाने का, एक द्वार महात्मा गांधी जी के नाम पे कि हम इस देश के में अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए आंदोलन करेंगे, एक द्वार लाल नेहरू जी के नाम पे कि हम इस देश की संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो दिल्ली कांग्रेस का लोग करेगा, एक इंदिरा जी के नाम पे कि इंदिरा जी के सशक्त नेतृत्व में जैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता था उसी तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, एक राजीव जी के नाम पे कि युवा जो है वो आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है वो उसके नाम का। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा कि आप सबको इस शेर को अपने जीवन में उतारना है, मैंने पहले भी बोला है कि हमको मालूम है कि दुश्मन कम नहीं, हमको मालूम है कि दुश्मन कम नहीं, पर हमारी तरह जान हथेली पे थोड़े जो आज बन के बैठे हैं साहिब मसलन, किराएदार हैं जाति मकान थोड़े, और इस देश की मिट्टी में मिला है सबका खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई अजय माकन जी को, आए हमें संबोधित करें, जोरदार तालियों से आप अजय माकन जी का स्वागत करें। हमारे बहुत ही सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अरविंदर सिंह लवली जी, मेरे बहुत ही जुझारू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाबरिया जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में लाइव यहाँ पे यहीं से जाएगा, खड़गे साहब को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग लाइव यहाँ से सुनेंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। साथियों, पिछले वर्ष लगभग इसी समय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से शुरू करी थी और यहाँ से इसी जगह से होकर के गए थे। एक वर्ष गुजर गया है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हिंदुस्तान के दूसरे कोने से कर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं लवली जी को कि सारे कांग्रेस जनों को आपने इकट्ठा करके इस लोकतंत्र बचाने के संघर्ष में इकट्ठा किया है और जो आप सबके सब लोग यहां पे आए हैं, आप लोग लोकतंत्र बचाने की ऐतिहासिक भूमिका के अंदर आप लोग निभाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं को जो आज घर से निकल करके बाहर लोकतंत्र बचाने के संघर्ष के अंदर यहां पर आए हैं कि आप सबके सब लोग ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का लोकतंत्र जब खतरे में है तो उसको बचाने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। यहां पर हम सबके सब लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा कि खड़गे साहब को आज सुनने के लिए आए, लवली जी ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे सारी बातों को कहा है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल एक बात कह करके जाना चाहूंगा, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को एकदम से यादाश्त वापस मेरे पूर्व मित्र और इस इलाके के आप लोगों के नुमाइंदे डॉक्टर ए के वालिया की याद के अंदर आ गई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर ए के वालिया जहां पर भी होंगे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ, कांग्रेस के साथ, इस इलाके के साथ, इस जगह की जनता के साथ में हमेशा रहेगा। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, जो हमारे प्रभारी हैं, उनके आने के बाद दिल्ली कांग्रेस ने नए आयाम स्थापित किए हैं। आदरणीय
दीपक बावरिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज की ये मीटिंग में उपस्थित हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी प्रेजेंस में आज दिल्ली कांग्रेस का ये न्याय संकल्प सम्मेलन, आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेशा को लेके उसको मूर्तिमंत करने के लिए ये दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकरों की जो मीटिंग सम्मेलन मिल रहा है, ये सम्मेलन में आदरणीय खड़गे जी उपस्थित है। उनका हमारे AICC के ट्रेजरर आदरणीय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष लवली जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चोपड़ा जी, हमारे AICC के सभी सेक्रेटरी, मंचस्थ सभी आगेवान, यहाँ पधारे हुए सभी साथियों, कार्यकरों, वार्ड से और पूरे दिल्ली प्रदेश से आए हुए सभी नागरिक, सभी भाइयों का आपका अभिवादन है। आज का सम्मेलन हम जो बुला रहे हैं, ये देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, लगातार पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार संविधान को नष्ट कर रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट कर रही है, किसानों मजदूरों को पीड़ा दे रही है, उसका शोषण कर रही है, युवा और महिलाओं का शोषण कर रही है, और देश के चंद धनपतियों को जो है लगातार फायदा दे रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए पिछले 10 साल में उनकी आमदनी, उनकी संपत्ति 5 गुनी हो जाए, लाखों हजारों करोड़ हो जाए, और गरीब लोगों के लिए 2 टाइम का भोजन भी जो है मिलना असंभव हो जाए। मोदी जी ने वादा किया 2022 तक सबको पकान देंगे। दिल्ली की वास्तविकता यो है कि पिछले 15 दिन में ये दिल्ली प्रदेश में 15,000 से भी ज्यादा कॉलोनीज और झोपड़े वालों के पर बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं, लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, युवाओं बेजुर बड़ी महंगी शिक्षा के बावजूद बेरोजगार हो रहे हैं, और ये हर प्रकार के न्याय के लिए, भागीदारी के न्याय के लिए एक संकल्प यात्रा राहुल जी ने जो निकाली है, इसका आज यहाँ दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस की ओर से, यहाँ के सभी कार्यकर्ता की ओर से एक शपथ का जो कार्यक्रम है, संकल्प का कार्यक्रम है, इसमें आदरणीय खड़गे जी का स्वागत करता हूँ। ये देश में भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, उसे गर्व है, फख्र है कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में मोदी जी को ललकार रहे हैं कि ताकत है तो आ जाओ मैदान में, ताकत है तो जो है ये देश की जनता के मन में अभी जो आशंका है, आप कहते हैं 400 सीट लाएंगे जहां 3 राज्यों में, लगातार सर्वेक्षण एजेंसी, चैनल, मतदाता, मीडिया कह रहे थे कि यहां जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा पीटने जा रहा है, वहां भी जो है आप जो नतीजे निकाले हुए हैं, लोगों के मन की आशंका है, लोकतंत्र की बुनियाद है कि जो है लोगों का भरोसा बना रहे, उसके मतदान में उसका भरोसा बना रहे, जिसको वोट देता है वहां रजिस्टर होता है, वो मत भरोसा बना रहे। इसलिए इंडिया अलायंस की जो डिमांड थी आपके सामने, चुनाव तंत्र के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि मतदाता की पर्ची छोटी सी बात है, पेटी में आप डालते हो काले गाल के पीछे, उसके हाथ में दे दो, ये अधिकार है। आज हम जो न्याय मांगते हैं तो वो भी एक न्याय है, और ये सभी बातों का, संविधानिक अधिकारों का सबसे बड़ा ज्यादा ये देश में आने वाले दिनों के सामने चुनौती है, संविधान के अधिकारों की रक्षा का वो रक्षा करना है, तो भी हमारे सभी मतदाताओं को हमको 2 बात समझानी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी पर्ची हमारे हाथ में आए, वो भी एक हम जो है इनको इससे मजबूर कर दें, और दूसरा कि इतनी भारी मात्रा में मतदान करा दें कि जिसकी वजह से ये गांगली करके भी कहीं ना कहीं नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो भी समाप्त हो जाए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इतनी शानदार तरीके से कई सालों के बाद इतनी अच्छी रैली का आयोजन किया है, आप सभी वर्करों को, सभी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले दिनों में मैं खड़गे साहब को सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अपने आप फिर से जोड़ देंगे, कांग्रेस का वही गौरव बना देंगे, ये संकल्प को, न्याय यात्रा के संकल्प को हम सिद्ध करेंगे। इतनी बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी है, आमंत्रित करो उनको, उससे पहले एक नारा लगाएंगे।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वो आए हमें संबोधित करें और सब हम जोरदार तालियों से खड़गे साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय खड़गे जी, बोलो भारत माता की जय, हिंद जय, कांग्रेस। भाइयों, आपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये जो जनसभा और कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ लगाई है और इसमें हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबारिया, हमारे ट्रेजरर अजय माखन जी और हमारे अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, गुरुदेव सप्पल जी, देवेंद्र यादव जी, अरे बस करो भाई, बस करो, बाद में बोलो, तो ये जो सब इलेक्शन में दिखाना आप बोलो, उनका भी बाद में ही बोलना। उदित राज जी, अलका लांबा जी, राजेश लिलोतिया जी, सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, अनिल चौधरी जी, हारून यूसुफ जी, राजकुमार चौहान जी, परवेज हासिम जी, अभिषेक दत्त जी, अमृता धवन जी और मनीष चतुर्वेदी जी, मुकेश शर्मा जी, इतने जो हमारे लीडर हैं और भी मंच पर बैठे हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि एक तो समय का थोड़ा अभाव है और दूसरा आप लोग 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, थके हैं, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा देर तक मैं यहाँ रोकना नहीं चाहता। आप अपने कामों को भी जाना है। ये गीता कॉलोनी में रामलीला मंदिर रामलीला मैदान में जो इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में ये जो सभा आयोजन किया गया है, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को मेरा धन्यवाद है। आज पिछले 21 दिन से सामाजिक न्याय के संपल के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे हैं युवाओं के लिए, न्याय मांग रहे हैं श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी की न्याय
वो पांच नायकों लेके निकले हैं और इतने कठिन परिस्थिति में इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है, इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने उठाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेस मैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए, ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सबको तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया, पोर्ट इतने बनाया, सब बोलते हैं। अरे बाबा, ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया? नहीं दिया। फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है,
इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था, मेरी माँ बहने चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था, 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है, आप ही सोचिए। ये गारंटी है उनकी, ये गारंटी है, इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो, देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई, कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, अब पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे एससी एसटी के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे भरेंगे, गरीब लोग आएंगे नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है, वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। और ये हमको सिखा था, अरे हमारे नेताओं ने तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, डैम्स बनाए, और इन डैम के वजह से हमारा इरिगेशन बढ़ा, अन्नदान बढ़े, और पब्लिक सेक्टर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्स इंजीनियरिंग ये सब इंस्टीट्यूशन खोले। कौन खोले? हमने खोला। और इनो मोदी जी आने के बाद ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा बड़ा डैम इन्होंने बनाया, बताओ कौन सा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। हाँ एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो काम है देश के जनता को बांटो और राज करो, ये वो कर रहे हैं। और इसलिए हमारे युवक
आप होशियार रहना चाहिए। यह देश का मामला है, देश के सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश बर्बाद होगा, हमारे युवक बर्बाद होंगे और हम बड़े तकलीफ में गिरेंगे। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली भी अगर जो बड़ी है, जो आज सड़कें देख रहे हैं, आज फ्लाईओवर देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस। अगर शीला दीक्षित जी ये स्टेप्स अगर नहीं लेते, सोनिया गांधी सपोर्ट करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित के ओर से बनाया नहीं जाता, तुम्हारा क्या है? कोई लोग जो कहने दो सत्ता में बैठे सो लोग और दूसरे लोग, उनका क्या देन है? सिर्फ सबका देन यही है कि देश में लोगों को बांटने का कुछ नहीं मिला, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मिला, ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों हैं? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। तो भाइयों, ये जो इनका ये सरकार है, एक बात मैं बताऊंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, रोज एवरेज 3 बलात्कार यहां होते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई ये महानगरों में, और कोई पूछने वाला ही नहीं। एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात भर उठा अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है अब मोमबत्तियां? दिख रहे नहीं कहीं, भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। हमने यही फूड सिक्योरिटी आके खिलाया, देहात के लोगों को मनरेगा दिया। ऐसा कोई काम बीजेपी ने किया है? 100 मनरेगा प्रोग्राम को पैसे इन्होंने घटाया, और वो कहे कि जब जरूरत पड़ती है तब हम देते जाएंगे। अरे भाई बजट में ही अगर ज्यादा पैसा नहीं है, आप देवर देहात के लोगों को 100 दिन की गारंटी थी नौकरी देने की, काम करने, आप कितना दे रहे हो? 19 दिन। ये मोदी सरकार का मॉडल है, ये मोदी जी का गरीबी के बारे में सोचना है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। अब भूलिए आपके छोटे मोटे कुछ भी डिफरेंसेस है, ये देश के लिए लड़ना है, और एक बार फिर एक बार हमको आजादी लाना है, बोलने की आजादी लाना है, लिखने की आजादी लाना है, मीटिंग करने की आजादी होना है, सबके साथ मिलके एक बंधु प्रेम के साथ रहना है इसकी। लेकिन मोदी जी के जमाने में कोई अच्छा बात करता है उसको सीधा FIR होती है,
वही कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, तो रोज अपहर होता। और उसके अलावा अब आजकल ईडी, इनकम टैक्स, ये सब तैयार है। पहले कोई सुना इसका? ऐसा ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 एमएलए को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया। 411 लोग एमपीज, राज्यसभा मेंबर्स, वो जो अगर अपोजिशन पार्टी में है तो वो कलंकित हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, तो उसको बंद कैसा करवाना और बंद करके उसको तबाह और तंग कैसा करना, वो करके उस एमपी को, एमएलए को वो अपने साथ लेते हैं, लेकर अपनी हुकूमत बनाते। ऐसा ही पहले उन्होंने हुकूमत बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, मणिपुर में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कर्नाटक में बनाया, हर जगह बनाया। और बनाकर ये कहते हैं बीजेपी उसूलों की पार्टी है। भाई क्या उसूल है आपके? जो आदमी आप हमारे पास करप्ट है ये कह के उसको जेल में डालते हो, वही आदमी फिर आपके पास आके बीजेपी में शामिल होता है, वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि वो शाह के पास, मोदी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। उस वो क्या करते हैं, इन कलंकित लोग बोलते ना, इनको एडमिट कर लेते हैं और शाह के वॉशिंग मशीन में डालते ही वो पूरा क्लीन हो जाते हैं, पूरे स्वच्छ हो जाते हैं। ये उसूल है। अरे भाई तुम जाओ जनता के पास जाके लड़ो, वो सब छोड़ के अपोजिशन को तोड़ना मोड़ना। अब देखिए झारखंड का क्या हुआ, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वहां के जो ट्राइबल एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, आरजेडी के एमएलए थे, वो टूटे नहीं, डट के रहे। फिर से वहां पर हुकूमत हमारी सब मिलजुल के आई। तो ये काम करने वाले लोग बिहार में भी यही काम हुआ, बिहार में यही हुआ। वहां पर मिली जुली सरकार थी, उसमें से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को खींच लिया। ये खींचने के बाद उन्होंने बहुत समाजवादी, इसके बारे में उसके बारे में बहुत बात करते थे। वो एकदम क्या हो गया, वो पलटू राम हो गए, पलटू कुमार हो गए। पलटू कुमार जाते ही फिर वो बीजेपी बोलने लगे और एक सरकार हमारी यहाँ आई। अरे कितने सरकार तुम्हारे आए? ऐसा हो रहा है, अगर किसी को पूछे बीजेपी के उसूल क्या है, बोले तो बीजेपी बोलेगी हम पानी हैं, पानी में जो रंग मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा। पानी तेरा कैसा रंग है तो वो कहेंगे जो मिलाएंगे वो हो जाएगा। दूसरों के साथ ठीक रहते हो ये कहते हो, वही नीतीश जी को गालियां दिए, वही फिर अब नीतीश जी को गले लगा ले रहे। और मोदी जी की भी यही आदत है, वो बात नहीं करते, अंदर से सबको काट देते हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी रख लेके निकलते हैं,
सबको काटते फिरते हैं। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा, हम तो किसकी बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी ने यही बोला, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई भी आ सकता है। ये लोग द्वेष की दुकान खोली है, हेट की दुकान खोली है, और हेट करना ये इनका काम है, सबसे मोहब्बत से रहना हमारा काम है, और वो हम ये कर रहे हैं। भाइयों, और एक आपको बताना चाहता हूं, 147 हम एमपी थे, 147 एमपी को राज्यसभा मिला के उनके काले कानून आ रहे थे, उसमें बहस नहीं होना, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक करके बाहर डाल दिए। चंद लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है, चंद लोग अपने कुर्सी में भी नहीं उठे, ऐसे सभी को बाहर डाल के मोदी जी ने अपने कानून पास कर लिए। और ऐसे लोग अगर रहे तो अपने को जो होना है वो कर लेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप के ओर जा रहे हैं मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली हमारी कैपिटल है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग यहाँ आते हैं, बंगाल से लेकर गुजरात के लोग यहाँ आते हैं। आप सर्प के यहाँ के लोग, अगर हम दिल्ली जीतेंगे तो सारा देश जीतेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, देखो देखो गरीबों को ये कैसा सताते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं। एक गरीब सर्वकास्ट आदमी जिसके पास सिर्फ 450 रुपए थे, वो भी ओल्ड एज पेंशन के, चेन्नई में एक बीजेपी का लीडर इस दलित के जमीन को हड़पने के लिए उसने ईडी केस डाल दिया। ईडी के लोग गए उसके घर तमाम ढूंढे, उसके घर में निकले 450 रुपए। आप इससे सोचिए ये लोग कितने सताते हैं, क्योंकि उसके बाजू का जमीन वाला एक बीजेपी मालदार आदमी था, वो चाहता था उसकी जमीन हड़पना, ये नहीं चाहता था कि अपनी जमीन खोना, उसके लिए ही बहुत बड़ा था। उसको सताने के लिए ईडी के पास गया और कहा, देखो इसके पास बहुत पैसे हैं, देख लो। ईडी छापा मारी तो उसके घर तमाम ढूंढने के बाद कितने पैसे निकले, 450। ये है मोदी की ईडी। वो कांग्रेस वाला था और कंप्लेंट करने वाला बीजेपी था। तो भाइयों, आप सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरे पास मैं कुछ नहीं किया क्या नहीं। आखिरी में आपको ये भी पूछेंगे, भाई कम से कम आप नहीं बोल रहे तुम्हारे पास कुछ, तो ये जैकेट कहाँ से खरीदे, ये पूछेंगे। और जैकेट खरीदे कितने रुपए का है, 400 कहाँ से आए, 400 हिसाब दो। तो ये लोग कैसे हैं, ये मुल्क को तोड़ देंगे। तो आपको खड़ा होना है, आप जब खड़ा हो जाएंगे तभी ये ठीक होगा, क्योंकि हर अदालत में उनकी चलती है, हर ऑफिसर के पास उनकी चलती है, हर लोगों को वो
कुछ ना कुछ धमका के डरा के रखते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन दो लाइन बोलूंगा, वो लाइन है बशीर भद्र की। तो उन्होंने कहा इनके लाइन ठीक लगते हैं इसमें, अपील भी तुम दलील भी तुम, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे। और इसीलिए मैं आखिरी दो मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है इस दस साल में उन्होंने क्या किया, और उनके राज में एक तो भावना तक कार्ड खेलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, लोगों को ऐसा बुलाते हैं, भाइयों और बहनों मैं आपका दुख नहीं देख सकता। छोटे मोटे व्यापारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको मदद करने की बात की, उनको लोन देने की बात की, लेकिन लोन किनको देते हैं? चुन चुन के आरएसएस के लोगों को, चुन चुन के बीजेपी के लोगों को। कोई गरीब उनके पास जाके लोन नहीं मांगता, उसको देते नहीं। बैंकों को भी उन्होंने खरीदा, सब लोगों को डर के अंदर रखा। वो बैंक वाले भी बोलते हैं साहब हम नहीं दे सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऊपर का ऑर्डर क्या है? जो लोग तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे पॉलिसी के तहत जो मांगते हैं उनको नहीं देना, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन वो करते हैं। इसीलिए मैं एक चार पांच शब्द आपको बोलूंगा। हर घंटे देश का एक किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे इस देश का किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे दो नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। आम आदमी पर टैक्स 55% है जीएसटी सब मिला के, और अदानी अंबानी अमीर लोगों के ऊपर कितना है? उनको तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं आप कर्जा, वो कर्जा ले रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं। इन्हों मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो सब लोगों को जमा करके तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी मोदी। अरे पैसा हमारा, लोग जो डिपॉजिट रखते बैंक में वो पैसा तुमने उनको लोन के रूप में दिया, वो पैसा लेकर उन्होंने भाग गया। जब तुम जाते हो वो तालियां बजाते रहता है और इन्हों खुश। वो कौन सा कि एक है पिक्चर देखा था मैं पहले, मुगम्बो खुश है क्या किया? हाँ तो वैसा खुश हर जगह बोलने का। और अमीरों का टैक्स केवल 2-3% है, गरीबों का टैक्स 55% है। और आज घरेलू बचत 50% हो गई। किसके पास पैसे ही नहीं, महंगाई इतनी बड़ी है, तेल महंगा, आटा महंगा, पल्सेस महंगे, हर चीज महंगा, डीजल पेट्रोल तो पहले ही महंगा हुआ है। उनके लोग अमीर लोग तो सहन सकते हैं, लेकिन ऑटो चलाने वाला, घर में गैस जलाने वाला, उसकी क्या है हैसियत? आप उसके तरफ देखे हैं कभी? हमारे जमाने में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो गिर गई है। गिर जाने के बाद भी इन्होंने
डबल ट्रिपल रेट कर दिया। तो ऐसे सरकार को आप चाहते हैं? ऐसे सरकार को आप आने वाले चुनाव में निकालेंगे या रखेंगे? रखेंगे, निकालेंगे। और भाइयों और मैं ये कहूंगा, आज के प्रधानमंत्री अपने विचार इस देश पे थोपना चाहते हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ है, किसी और गरीब के लिए, गरीब के साथ हम लड़ते हैं। हम तो अमीरों के खिलाफ है, गरीबों के लिए लड़ते हैं। राहुल जी भी गरीबों के लिए ही ये पादयात्रा। सोनिया गांधी जी 2004-2009 में अपनी सरकार बनाई, वो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी को, एक आर्थिक तज्ञ को उन्होंने इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। और ये यहां मोदी जी अपनी सत्ता के लिए सबको मार रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, सब जगह जाके बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की डिवीजन, दलितों को अलग करना, बैकवर्ड्स को अलग करना, किसानों को अलग करना। अरे कितना तोड़ेंगे भैया? तो आखिरी में और एक बात है, मैं कहूंगा कि खास करके ये गुरु गोविंद सिंह की एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है, वो हम सबके लिए लागू होता है। किसी भी इंसान को न तो डरना है और न ही उसे डराना चाहिए। किसी भी इंसान को न तो डरना चाहिए और न ही उसे डराना चाहिए। डर आपके दिमाग में होता है, वही मोदी के दिमाग में डर रहे हैं, वो इसीलिए डराते रहते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न उसे डरना चाहिए। तो इसीलिए हम डरेंगे नहीं और किसी को डराएंगे नहीं, लेकिन मोदी जैसे लोग अगर रहे तो क्या करना चाहिए? अब बोलिए, आरएसएस जैसे लोग अपने फिलोसॉफी को लेकर भागते हैं लोगों के पास, तो क्या करना चाहिए? ये लोग किसी हालत से देश को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को अलग करना चाहते हैं। और आपको मैं एक कहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, घर घर जाना होगा, घर घर पॉम्पलेट बांटना होगा। ये जो बुरे काम किए हैं, झगड़े लगाने की काम किए हैं, ये हर घर को पहुंचना, हर इंसान के पास जाना, तभी हम कुछ हासिल करते हैं। नहीं तो बैठे जगह अगर भजन करते हैं कुछ होता नहीं। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या बीएल अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग आईन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक आधा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है
किसी जानवर को लेना है तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए, नहीं तो जाना आना, अरे बैठो भाई, तो बैठो, जाना आना, चाय पी के आए, नजदीक ढाबा है तो उधर गए, नजदीक के होटल पे गए वहां 2 मिनट, ऐसा हो गया तो वो अंदर वाले ऑफिसर जो उन्हीं के होते हैं चुन चुन के डालते हैं, एक 5 मिनट में 10 वोट मारते थे और 7 से 8 तक या 9 तक आप पहले रहते हो, जल्दी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो उस वक्त भी अगर ऑफिसर उनका है थोड़े पहले ही सर्वे करे, सो रहता है कौन है घर में, कौन नहीं है, कौन मरा हुआ है, कौन गाऊंगा, उनकी लिस्ट वो बीजेपी वाले बना लेते हैं, चाहते ही वो 2 घंटे में जितना हो सके उतना मारते हैं। तो इधर ध्यान देना जरूरी है, ये उसी वक्त हम कुछ हासिल करते हैं तभी ये जिंदाबाद का क्वेश्चन आता है। अगर वही हासिल नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलके इस इलेक्शन में चुन के लाएंगे हमारे कैंडिडेट को, और इंडिया जो गठबंधन हमने कोशिश की है, हम कितने यश अपने को मिलता है वो आगे देखेंगे, लेकिन हमको तो लड़ना ही है। इसीलिए हर घर घर भी जाना है, हर असेंबली सेगमेंट को जाना है, हर पार्लियामेंट को सेगमेंट को भी जाना है। हम किसी के लिए या किसी के ऊपर भरोसा रख के आप घर में मत बैठिए, ये किधर जाने वाला है, ये किधर आने वाला है, कौन सा है, अरे किधर से है तो आने दो, कुछ भी, वो कांग्रेस के लिए जो काम करना है, हमारे लोगों के लिए जो लड़ना है वो आप करो, बस उसके बाद में सब कुछ लोगों के हाथ में। देखो भाई, मेरा अगर मेरे हाथ में होता मैं आधा घंटे में खत्म कर देता, लेकिन होती ये है तो उनको वोट देने वाले भी वही है। ये देखो, आप उसको छोड़ दो, जो है उसको फेस करना है, हमको अच्छा मशीन दो, गन दो, वो दो, ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन उसका राह देखते देखते बैठेंगे तो काफिला चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको लड़ना है, जो हथियार मिले उससे लड़ना है, जो हथियार हमारे पास है उससे ही लड़ना है। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये डायरेक्शन आप देखिए, हमारे अरविंद लवली ठहरो भाई, देखिए, नहीं आप रियली लवली बनना चाहते हैं, रियली लवली बनना चाहते हैं, ये बूथ वाइज काम पहले करो, ये जो बूथ एजेंट का काम करो, ये वर्कर वहां बिठाने का काम करो, तभी कुछ हम
हासिल कर सके। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते इतना कहकर मैं आपसे अपना बात खत्म करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को खत्म करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट भाई, सुबह 11 बजे से पुष्कर तक 20,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली से आए, 20,000 कार्यकर्ता पुष्कर तक दिल्ली से आए थे। अब मैं सुबह 11 बजे से आप बैठे थे भूखे प्यासे, सुभाष चोपड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूँ वहां हमें धन्यवाद करें, आशीर्वाद दें। आदरणीय भाई सुभाष चोपड़ा जी, जोरदार ताली से स्वागत। श्री अजय माखन जी, आदर के योग श्री द्विंदर यादव जी, आदर के योग गुरदीप सप्पल जी, आदर के योग संदीप दीक्षित जी, परवेज हाशमी जी, सभी सम्मानित पूर्व मंत्री विधायकगण और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, और कांग्रेस की आन बान और शान, कांग्रेस के मेरे सारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खड़गे जी, आपको एक बार बताऊं, पिछले 3 महीने में दिल्ली की जो कांग्रेस के अंदर जान फूकी है, दिल्ली को कांग्रेस को जिंदा किया, और ये सब करवाने का श्रेय मैं अपने अपने बड़े भाई बबरिया जी को देता हूं, जिन्होंने हमें राह दिखाई। अंदर बढ़ती महंगाई के लिए, देश के अंदर भाईचारा को बढ़ाने के लिए, देश के अंदर मोहब्बत की दुकान सजाने के लिए, इसलिए आप आवाज उठाते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो संदेश आप पब्लिक को दे रहे हैं वो कांग्रेस के दिल्ली के कांग्रेस जन घर घर जाके संदेश को देंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं हम दिल्ली की 700 पार्लियामेंट सीटों के लिए तैयार है। लेकिन जो अगर गठबंधन जो फैसला करेगा, हाईकमांड का जो फैसला करेगा, हम उसके साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं सबका ये धन्यवाद करना चाहूंगा, रुबीना धनखड़, अशोक कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, जो किसान यूनियन के यहाँ लोग आए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से कांग्रेस के अंदर स्वागत करता हूँ।